हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स देखिए, आज की इस वीडियो में हम ये प्यारा सा तोरण बनाना सीखेंगे। और ये गुलाब के कलियों वाला है, जिस ये देखिए मैंने रेड कलर के और येलो कलर के ऊन से ये फ्लावर बनाया है, और ये ग्रीन कलर से मैंने इसके पत्ते बनाए हैं। तो ये बहुत ही सुंदर तोरण है जिसे हम आज बनाना सीखेंगे और बहुत ही जल्दी से इजी तरीके से बनाना सीखेंगे। और ये देखिए मैंने ये फूल बनाया है, तो ये और ये तोरण की पट्टी बनाई है। तो आज हम चलिए सीखते हैं। इसके लिए फ्रेंड्स मैंने लिया है तीन कलर का ऊन, ग्रीन, येलो और रेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले मैंने फूल बनाने के लिए, गुलाब की कली बनाने के लिए यहाँ पर रेड कलर का ऊन लिया है, जिसमें मैंने यहाँ देखिए छः चेन बनाया। छः चेन बनाने के बाद फ्रेंड्स क्या करेंगे कि ये देखिए अब हम इसमें एक चेन खींच करके एक रिंग बना लेंगे, इस तरह से दो का एक कर लेंगे। और फिर इसमें हम 10 डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये हमारा 10 डबल क्रोशिया बन गया है फ्रेंड्स। अब हम यहाँ पर एक स्लिप चेन लेंगे, इस तरह से इसे बांध लेंगे और एक रिंग तैयार कर लेंगे। अब फ्रेंड्स हम लेंगे यहाँ तीन चेन, और तीन चेन लेने के बाद देखिए एक तीन तीन ये तीसरे फंदे में हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक फंदा छोड़ करके। फिर मैंने यहाँ पर तीन चेन लिया और फिर हम 1 2 3 तीसरे फंदे में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर ये मैंने तीन फंदे लिए, तीन चेन लिए और ये यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया, तीन दो फंदे को छोड़कर तीसरे फंदे में एक सिंगल क्रोशिया बनाया। और ये देखिए इस तरह से हमारा बन जाएगा। और ये देखिए फ्रेंड्स, और ये चौथा हम बना रहे हैं, ये चार हम बन जाएगा क्योंकि 10 चेन हम लिए हैं। तो एक एक फंदे को छोड़ करके तीसरे फंदे में बनाने पर ये हमारा चार बन जाएगा। तो ये हमने चार बना लिया है, ये देखिए इस तरीके से हमारा बन जाएगा। इसी में हम फूल की कलियां तैयार करेंगे। तो अब देखिए हम तैयार करते हैं। तो हमने जो ये फंदा बनाया था तीन तीन चेन का, उसमें हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और उसके बाद तीन यहाँ पर चेन लिएंगे। अब इसमें हम तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे, इस तरह से बनाएंगे। और तीन डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर हम देखिए तीन डबल क्रोशिया हमने बनाया और फिर तीन चेन लेंगे और उसी फंदे में एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। अब हम नेक्स्ट जो लूप बनाए थे उसमें जाएंगे और यहाँ पर फिर हम एक यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाए, फिर हमने यहाँ तीन चेन लिया और तीन चेन लेने के बाद फिर हम यहाँ पर तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारा तीन डबल क्रोशिया बन गया, फिर तीन चेन लेंगे और यहाँ पर फिर उसी लूप में एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर अगले लूप में जाएंगे तो इसमें भी हम उसी प्रक्रिया से देखिए एक सिंगल क्रोशिया बनाए, तीन चेन लिए, फिर हम तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पर। तीन डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर हम यहाँ पर तीन चेन लेंगे और फिर एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमारा ये तीन पत्ता तैयार हो गया है कली फूल का। ये चौथा बनाएंगे, सेम वही प्रक्रिया अपनाएंगे, एक सिंगल क्रोशिया, तीन चेन और फिर तीन डबल क्रोशिया, एक दो और ये तीन। और मैंने फिर यहाँ पर लिया एक दो तीन चेन लिया और फिर हम यहाँ एक उसी लूप में तीन चेन लेने के बाद एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह से देखिए हमारा ये फ्लावर तैयार हो गया है। अब पीछे में हम चेन को खींच करके बांध लेंगे और सीजर से इसे कट कर लेंगे। ये कट कर लिए और फिर क्रोशिया की सहायता से इसे हम इस तरीके से खींच लेंगे ताकि इसका धागा दिखाई नहीं दे। इस तरह से फ्रेंड्स इस तरह का फूल मैंने
ये देखिए ये हमने 28 तैयार किया है, और ये देखिए येलो कलर का ये मैंने 22 तैयार किया है। अब हम तोरण पट्टी के लिए इस तरह का फूल तैयार करेंगे। तो इसके लिए मैंने लिया है ये पीला रंग का ऊन, इससे हमने यहाँ पर 8 चेन तैयार किया। और 8 चेन तैयार करने के बाद पहले वाले चेन से एक फंदा खींचते हुए 2 करेंगे, फिर 1 करेंगे, फिर मैंने यहाँ 3 चेन लिया, ये हमारा एक डबल क्रोशिया के बराबर हुआ। और फिर इसमें हम 14 डबल क्रोशिया बना देंगे, यानी 3 चेन लेकर के 15 डबल क्रोशिया हमारे यहाँ पर होगा। इस रिंग में हम 15 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए मैंने बना लिया है, और एक फिर यहाँ पर एक स्लिप चेन से यहाँ पर एक चेन लिए, और फिर इसे एक सिंगल क्रोशिया बना करके बांध लेंगे। फिर मैंने यहाँ 3 चेन लिया। अब हम यहाँ पर पहले फंदे में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन लिए, फिर एक डबल क्रोशिया बनाए, फिर एक चेन लिए, फिर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। हम एक भी फंदा यहाँ पर छोड़ेंगे नहीं, एक चेन लेंगे और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, और एक भी फंदे को नहीं छोड़ेंगे। इस तरह से हमारा फिर ये 15 फंदा तैयार हो जाएगा। ये देखिए इस तरीके से बनाएंगे हम। हमने नीचे 15 डबल क्रोशिया बनाया था, यहाँ भी हमारा 15 डबल क्रोशिया होगा। तो हम 15 डबल क्रोशिया तैयार करेंगे, लेकिन एक एक चेन लेकर तैयार करेंगे। और इसी तरह से देखिए ये हमने एक भी फंदा नहीं छोड़ा है। देखिए जितने भी डबल क्रोशिया हमने बनाए थे सारे में हम एक एक डबल क्रोशिया बना रहे हैं, लेकिन उसमें हम एक एक चेन लिए हैं। और ये देखिए पूरा राउंड हमने कंप्लीट किया, और फिर मैंने यहाँ 3 चेन लिया और एक को छोड़ करके एक सिंगल क्रोशिया बना लिया। फिर हमने 3 चेन लिया, फिर एक फंदा छोड़ करके दूसरे में एक सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर एक फंदा छोड़ करके एक सिंगल क्रोशिया बनाया। इसी तरह 1, 2, 3 चेन लिया, फिर एक छोड़ करके एक सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर 1, 2, 3 चेन, फिर एक छोड़ करके एक सिंगल क्रोशिया बनाया। और इसी तरह से हम पूरे राउंड में 8 इस तरह का लूप तैयार कर लेंगे। और ये देखिए हमारा पूरा राउंड कंप्लीट हो गया है। और अब देखिए हमने 3 चेन लिया, पहला जो हमने लूप बनाया था उसमें देखिए 3 चेन लेने के बाद 3 डबल क्रोशिया हमने यहाँ पर बनाया, और फिर हम यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे, और फिर उसी लूप में एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर अगले लूप में जाएंगे हम, यहाँ पर देखिए इस तरह से हमने 8 लूप टोटल बनाया है। तो यहाँ पर भी हमने एक सिंगल क्रोशिया बनाया, 3 चेन लिया, फिर इसमें हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर मैंने यहाँ 3 चेन लिया और फिर यहाँ एक सिंगल क्रोशिया बनाया। ये इस तरह से हमारा 8 पंखुड़ी बनके तैयार होगा। अगला में हम देखिए फिर वही प्रोसेस से एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे अगले लूप में, फिर 3 चेन बनाएंगे, फिर 3 डबल क्रोशिया यहाँ पर बना लेंगे। और 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 3 चेन बनाया हमने, फिर एक सिंगल क्रोशिया बनाया। और ये फ्रेंड्स हमारा जो शुरू में हमने जो फूल बनाया था सेम वही प्रक्रिया से मुझे वह हमें बनाना है, और इसी तरह से पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ 7 बना लिया है, अब 8वां भी हम लोग यहाँ पर बना लेंगे। और ये देखिए उसी प्रोसेस से हम 8वां भी कंप्लीट कर लेंगे। एक सिंगल क्रोशिया, 3 चेन, 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन और एक सिंगल क्रोशिया से हमारा ये पूरा एक पत्ता कंप्लीट होता है। तो इस तरह से हम बना लेंगे, और पीछे फिर ऊन ले जा करके इसे हम कट कर लेंगे, और इसे हम कट कर लेंगे और क्रोशिया की सहायता से इसे हम अंदर की तरफ खींच देंगे। तो ये देखिए हमारा ये फूल बन गया है। और जो हमने पहले जो रेड कलर का फूल जो तैयार किया था, जो मैंने बताया मैंने 28 बनाया है, उसको हम इसके बीचों बीच लगा देंगे और इसमें एक मोती लगा देंगे। तो इस तरह से हम इस तरह करेंगे।
अब फ्रेंड्स अब चलिए हम ये देखिए इस तरह से हम बना लेंगे। अब चलिए हम इसका डंठल बनाते हैं, फूल का लड़ियां बनाते हैं। तो लड़ियां बनाने के लिए देखिए मैंने लिया है, देखिए मैंने रेड कलर का जो फ्लावर बनाया था उसका लड़ी लिया है, उसमें मैंने ये इस तरह से मैंने यहाँ 10 डबल क्रोशिया बनाया था। तो हर एक फंदे में एक एक सिंगल क्रोशिया इस तरह से बनाते चले जाएंगे। तो यहाँ हमारा 10 सिंगल क्रोशिया बन के तैयार हो जाएगा। तो यहाँ देखिए इस तरीके से हम बना रहे हैं। सारे फंदे में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब एक राउंड हमने कंप्लीट किया है, अब दूसरे राउंड में जाएंगे तो क्या करेंगे कि हम एक फंदे को छोड़ देंगे और दूसरे फंदे में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह को दोहराते चले जाएंगे हम। तो धीरे धीरे ऊपर जाकर के ये पतला होते जाएगा। ये देखिए हम एक एक फंदे को छोड़ करके दूसरे में बनाते जाएंगे सिंगल क्रोशिया। और ये देखिए इस तरह से हमारा ये इसका डंठल बन गया। अब इसमें हम लेंगे 25 चेन, 15 चेन तो हम इसके लड़ियों के लिए लेंगे और 10 चेन हम लेंगे इसके पत्ती को बनाने के लिए। तो टोटल 25 चेन हम यहाँ पर बना लेंगे। अब देखिए 10 चेन, अब हम 3 चेन को छोड़ करके इस चौथे चेन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ हम इसका पत्ता बना रहे हैं और फिर ये देखिए उसके बगल वाले चेन में फिर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर उसके डबल बगल वाले में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अगले चेन में फिर एक डबल क्रोशिया हमने यहाँ बनाया और फिर अगले चेन में फिर एक डबल क्रोशिया हमने यहाँ बनाया। टोटल हमने 5 डबल क्रोशिया बनाया। अब हम यहाँ पर फिर से 3 चेन लेंगे, 1, 2, 3। और 3 चेन लेने के बाद अगले चेन में यहाँ पर हम एक फंदा खींचेंगे और खींचने के बाद यहाँ पर इस तरह से एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। अब हम इसे पलट लेंगे और फिर हम यहाँ पर 3 चेन बनाए और 3 चेन बनाने के बाद फिर हमने हर एक फंदे में जहाँ मैंने 5 डबल क्रोशिया बनाया था फिर उसमें 5 डबल क्रोशिया बना लेंगे। और हर एक चेन में एक एक डबल क्रोशिया, इस तरह हम 5 डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फ्रेंड्स हमने जो 3 चेन बनाया था उसमें एक इस तरह से चेन बना करके लूप लेकर के खींच लेंगे। अब यहाँ पर हम 4 चेन लेंगे, ये 4 चेन लिए और फिर यहाँ से इसको डालते हुए भी एक चेन खींचेंगे और इस तरह से फंदे को खींच लेंगे। अब हमने जो यहाँ 5 जो डबल क्रोशिया जो बनाया था सारे में से नीचे से एक चेन फंदा खींच करके ऊपर में स्लिप चेन बनाते चले जाएंगे और इस तरह से फंदे को खींचते हुए फिर हम उस छोर पे ले जाएंगे, इस तरह से किनारे चले जाएंगे। और अंत में जो यहाँ पर लास्ट वाला चेन बनाने के बाद हम 2 चेन फिर से लेंगे, यहाँ पर लास्ट में एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए इस तरह से एक चेन में डाल करके एक फंदा खींचेंगे और एक इस तरह से देखिए इस तरह से बना लेंगे। ये हमारा पत्ता का डंठल बन जाएगा। अब हम 10 चेन फिर से लेंगे पत्ते बनाने के लिए। दूसरा पत्ता हम यहीं पर बनाएंगे फ्रेंड्स। तो 10 चेन हमने फिर लिया है, फिर 3 चेन को छोड़ करके चौथे में हमने उसी प्रक्रिया से पत्ता बनाना चालू किया है। तो 3 छोड़ छोड़ करके एक डबल क्रोशिया बनाया, फिर दूसरे में एक डबल क्रोशिया, फिर तीसरे में एक डबल क्रोशिया, फिर चौथे में एक डबल क्रोशिया बनाया, फिर 5 में एक डबल क्रोशिया। इस तरह हमारा 5 डबल क्रोशिया कंप्लीट हुआ। फिर हम 3 चेन लेंगे और यहाँ पर अगले चेन में फंदा खींचेंगे और यहाँ पर 2 से 1 कर लेंगे, फिर 3 चेन लेंगे उलट के और फिर यहाँ पर हम 5 डबल क्रोशिया बना लेंगे।
हर एक फंदे में जहाँ जहाँ पर शुरू में हमने डबल क्रोशिया बनाया था उसी में हम फिर से इस तरफ से भी डबल क्रोशिया बनाएंगे, और जो पहला पत्ता बनाया था उसी प्रक्रिया से इस पत्ते को भी कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल वाले बेल आइकन घंटे को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हमारे हर अपडेट्स आपको मिलते रहें समय पर और आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे ताकि हमारा कोई वीडियो आप मिस न करें। और इससे भी बढ़िया बढ़िया वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब यहाँ पर हम इसे बांध लेंगे। ये हमारा जो है दो पत्ती तैयार हो गया है। अब फ्रेंड्स अगली बार हम 40 चेन लेंगे, 30 चेन हम इसकी लंबाई के लिए और 10 चेन इसके पत्तों के लिए बनाएंगे। ये देखिए ये 30 चेन बन गया है और 10 चेन फिर हम लेंगे। ये 10 चेन हमने पत्तों के लिए लिया है और फिर उसी प्रक्रिया से फ्रेंड्स यहाँ पर हम पत्ता बना लेंगे। तो फ्रेंड्स ये पत्ता जो है हम लंबाई के साइज से बनाए हैं, इसमें हम 6 पत्ते बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6, दूसरे वाले में 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1 बनाएंगे। जितनी लंबाई हमें लड़ियों की चाहेगी हमें चाहिए उतना ही लंबा इसमें पत्तों के संख्या बढ़ाते चले जाएंगे। ये हमारा दूसरा पत्ता है तो इसी तरीके से हम बनाते चले जाएंगे, जितना लंबा हमें तोरण का लंबाई हमें चाहिए उस हिसाब से बनाएंगे। तो हमने सबसे लंबा 6 पत्तों का बनाया है और सबसे छोटा 1 पत्तों का बनाया है। सबकी लड़ियाँ दो दो बनाई हैं और एक वाले लड़ियाँ मैंने 5 बनाई हैं क्योंकि बीच में लगेगा। तो ये देखिए इस तरीका से हम बनाएंगे और ये देखिए हमने 5 पत्तों का बनाया, फिर हम इसमें 6 पत्तों का भी बनाएंगे, 4 का 3 का 2 का 1। अब फ्रेंड्स हम तोरण पट्टी बनाएंगे, बड़ी इजी तरीके से तोरण पट्टी बनाएंगे क्योंकि ये हम साधारण सा तोरण पट्टी बना रहे हैं। इसमें मैंने 10 चेन बनाया है और 10 चेन बनाने के बाद हर एक चेन में एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे, यानी इस तरह से हम 10 डबल क्रोशिया यहाँ हर एक चेन में बना लेंगे और इसे पलट लेंगे। हमने यहाँ तक 3 चेन लिया और पहले फंदे में ये देखिए 2 चेन बनाया, फिर 2 डबल क्रोशिया बीच में बनाया, फिर 2 चेन लेंगे, फिर यहाँ पर किनारे में भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर हम इसे पलट लेंगे, 3 चेन बनाएंगे। ये 3 चेन फ्रेंड्स हमारा 1 डबल क्रोशिया के बराबर होगा। यहाँ किनारे पर हम 3 चेन और 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर 2 चेन लेंगे और बीच में हमने जो 2 डबल क्रोशिया बनाए इसके बीचों बीच को क्रोशिया को डाल करके 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये कभी इजी पैटर्न है, आप आसानी से बना सकते हैं। तो यहाँ मैंने देखिए फिर 3 चेन लिया, 1 डबल क्रोशिया बनाया, किनारे पर हम 3 चेन को 1 डबल क्रोशिया मान रहे हैं इसलिए हम एक ही यहाँ डबल क्रोशिया बना रहे हैं। और ये देखिए 2 चेन फिर बनाए और ये हमने यहाँ पर ये देखिए इस तरह से हमने यहाँ 1 2 3 बनाया और फिर इसी तरीके से फ्रेंड्स हम पूरे करीब अपने दरवाजे के साइज़ का तैयार कर लेंगे। मैंने 66 इसे बनाया है और ये देखिए हमने ये बना लिया है, ये टोटल 66 मैंने बनाया है ये दरवाजे के साइज़ से। ये देखिए मैंने ये इस तरह का 9 फूल तैयार किया है और ये देखिए मैंने कुछ लड़ियाँ इस तरह से बनाई हैं। 6 लड़ियाँ मैंने रेड कलर का बनाया है जिसमें कोई पत्ता मैंने नहीं बनाया, और ये 4 लड़ियाँ हमने पीला कलर का बनाया है जिसमें कोई पत्ता नहीं बनाया है। अब फ्रेंड्स अब हम देखिए इस तरह से बना लिए हैं। अब ये देखिए हमने 6 5 4 3 2 और 1 का यहाँ देखिए मैंने 3 2 पीला और 1 लाल का बनाया है। इसमें पत्ते भी मैंने बनाए हैं, एक ही में तीनों बना दिया है, तीनों को जोड़ते हुए भी 1 पत्ता बनाया है। और फ्रेंड्स इस तरीके से हम इसे लगा करके हर एक 6 फंदे के बाद इसे जोड़ लेंगे। हर एक हमने जो यहाँ जो तोरण पट्टी बनाया है उसके 6 फंदे को छोड़ते हुए
हम एक एक लड़ियों को जोड़ लेंगे, क्योंकि टोटल हमारा 66 है और ये मेरा 11 है, टोटल 11 है। तो छः छः हम अगर कड़ियों को छोड़ते हैं, लेकर के अगर इसे बांधते हैं तो हमारा ये पूरा राउंड कंप्लीट हो जाएगा। तो ये देखिए इस तरह से हम इसे बांध लेंगे। आप चाहें तो सुई से भी सिल सकते हैं। यहाँ हम धागा दिए थे, इसमें छोड़े हुए थे, इसलिए हम इसे इसमें स्टिच लगा दे रहे हैं, बांध दे रहे हैं। तो इस तरह से हम सारे को बांध लेंगे। सबसे किनारे पर मैंने 6 लड़ी लगाई है, 6 पत्तों वाली लड़ी लगाई है, फिर 5 पत्तों वाली, फिर 4 पत्तों वाली, फिर 3, फिर 2, फिर 1। एक में मैंने 3 येलो कलर का और 1 रेड कलर का बनाया है, उसको हम बांध लेंगे। ये देखिए ये वाला मेरा 1 वाला लड़ी है जिसमें मैंने पत्ता बनाया है, तीनों के साथ 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 2 पत्ते बना दिए हैं इसमें। ये देखिए इस तरह से। और चलिए बाकी को भी हम लोग बांध लेते हैं। ये हमने बांध लिया है। अब देखिए जो फ्रेंड्स मैंने ये जो येलो और रेड कलर का इस तरह का बिना पत्तों वाला जो लड़ी बना के रखी थी फूल का, इसको हम इस तरीके से बांध लेंगे। यानी जिस लड़ी में मैंने येलो कलर का जो फूल लगाया है लास्ट में, उसमें हम रेड लड़ी बांध देंगे एक पत्ता को छोड़कर, और जिसमें मैंने देखिए इस तरीके से इसमें हमने लाल कलर का फूल लगाया है तो उसका एक पत्ता छोड़कर दूसरे पत्ता पर पीला कलर का ये फूल का लड़ी बांध दिए हैं। और ये देखिए यहाँ भी हम लाल कलर का लड़ी बांध रहे हैं। ये देखिए इस तरीके से हम सारे में इस तरह की लड़ियों को बांध देंगे। जिस तरह का लड़ी हम इसमें बांध, जिस तरह का फूल हमने बुनने के समय नीचे में लगाया था, उसके मान लें रेड लगाया है तो येलो लगाएंगे, येलो है तो रेड लगाएंगे। और बांधने के बाद क्या है फ्रेंड्स, इसे हम कट कर लेंगे। तो कुछ इस तरह से हमारा तैयार हो जाएगा। अब हमने जो एक्स्ट्रा फूल जो तैयार करके रखे हुए हैं, जिसमें हमने कोई डंठल नहीं बनाया है या उसकी लड़ियाँ नहीं बनाई हैं, तो एक पत्ते को छोड़ करके, एक पत्ते को छोड़ के हर एक पर हम इस तरह से फूल लगाते चले जाएंगे। ये देखिए, ये देखिए हमने यहाँ जो लड़ी बांधी थी उस पत्ते को छोड़कर दूसरे पर एक फूल लगाया, फिर एक पत्ते को छोड़ दिया, फिर दूसरे पर फूल लगाया। यहाँ भी देखिए एक पत्ता को छोड़कर दूसरे पर मैंने फूल लगाया, और इसी तरह से सारे में हम एक एक पत्ते को छोड़ करके एक एक फूल कॉम्बिनेशन में लगाते चले जाएंगे। तो एक कहीं रेड लगाएंगे, अगर येलो लगाया है तो रेड लगाएंगे, रेड के बाद येलो लगाएंगे। इस तरह से हम पूरे में इसको कंप्लीट कर लेंगे। और कंप्लीट करने के बाद इसको हम सुई से अच्छी तरह से टांक देंगे। सारे को टांक देंगे और ये देखिए हमने टांक दिया है। अब हमने जो तोरण पट्टी बनाया था और तोरण पट्टी का जो फूल बनाया था उसको भी हम टांक देंगे। तो सबसे पहले बीच में मैंने एक टांक दिया है और फिर हम दोनों किनारों पर टांक देंगे। हमने टोटल 9 बनाया है फ्रेंड्स, तो 3 इस तरह टांक देंगे और बाकी जो हमारा 6 बचेगा तो इसके बीचों बीच 3 और हम इसे लगा देंगे। इसके बीचों बीच हम एक मोती लगा देंगे। तो मोती लगाने से क्या होगा, ये बड़ी साइज़ की मोती है, लगा देने से इसका थोड़ा सा सुंदरता बढ़ जाएगा। आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, आपके पास केवल ऊन है उससे ही बना सकते हैं। और ये वही बड़ी ही प्यारा सा तोरण है फ्रेंड्स। बाकी के जो हमारे पास 6 फूल हैं उसको भी हम इस तरीके से इसमें जोड़ देंगे। और ये देखिए हमारा प्यारा सा तोरण बनके बिल्कुल तैयार है। तो हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।